आज टीडी कॉलेज के इस मैदान में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष टीडी कॉलेज चंद्रभानु पांडे जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं या खुद पूर्व मंत्री नारद राय यहाँ देखे जा रहे हैं, और इसके अलावा भारत कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी भी हैं और भी राणा सिंह जी हैं, तमाम लोग यहाँ हैं। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे, वर्तमान सभी लोग। आइए बात करते हैं चंद्रभानु पांडे जी के छोटे भाई सुशील पांडे कान जी से कि आज का जो आयोजन है, इस आयोजन में कौन कौन हस्तियाँ आई, ये कब से कब चलेगा और क्या रहा उनका उस समय जब चंद्रभानु पांडे के आंदोलन की तरह ये सतनी सराय पुलिस चौकी बैठे, उस समय का वारदात क्या रहा, ये बात करते हैं। जी उस समय का क्या वारदात रहा, क्या जानकारी मिली, आप उस समय कहाँ थे? मैं उस समय यहाँ छात्र था। 5 दिसंबर 1991 को जीरा बस्ती का एक इंटर में कॉलेज का पढ़ने वाला लड़का सरकारी बस से एक्सीडेंट होकर के और उसका देहांत हो गया था और सड़क पे लवारिस की तरह उसकी लाश पड़ी थी। शहीद चंद्रभान पांडे प्रशासन से उस लाश को सम्मान देने की बात कर रहे थे कि उस छात्र के लाश को सम्मान मिले, और इसी में जिला अधिकारी के तत्कालीन जिला अधिकारी के निर्देश पर गोली चली और पुलिस की गोली से चंद्रभान पांडे शहीद हो गए। कहाँ गोली चली थी उस समय? यही जिला कचहरी के सामने, न्यायालय के सामने गोली चली थी। जी तो एक आज से कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? ये 31 बरस पहले की बात है। 31वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लगातार हर वर्ष मनाई जाती है, हर वर्ष मनाई जाती है, और इसमें सर्वधर्म सभा होती है और सभी दल के लोग और सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी नेता वर्तमान और भूतपूर्व सब लोग आते हैं, और अधिवक्ता साथी आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, सभी संगठनों के लोग, कर्मचारी संगठन के लोग आते हैं। तो छात्र संघ के अध्यक्ष कब रहे हो? वो छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं थे, छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे वो। जी तो अभी उनके नाम पे कुछ हुआ है क्या यहाँ विद्यालय वगैरह में? आज हर साल होता है ये, और हम गरीब विद्यार्थियों को किताब बांटते हैं, पुस्तक बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, जिला चिकित्सालय में फल वितरण कराते हैं, प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ जरूर होता है। चलिए, आपने सुना सुशील कुमार कान जी को, चंद्रभानु पांडे की जो श्रद्धांजलि सभा होती है, इस श्रद्धांजलि 31 सालों से चली आ रही है। इस सभा में तमाम लोग आते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, देखते रहे बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।